दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम डेट भी प्रस्तावित है, जो कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है। तो एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए पिछले जितने भी एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एससी द्वारा हुए हैं उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी एस आर राव और डी आर एस बिष्ट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, एस आर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बी ऑप्शन है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, और डी ऑप्शन है सिंधु लोग कुत्तों बिल्लियों और घोड़ों के को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका पसंदीदा शहर, बी है माउंड ऑफ द डेड और सी है रहने की जगह और ऑप्शन डी है एक बाजार क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो ऑप्शन ए है बनवाली, बी है चन्हुदड़ो और सी है सुत कागेंडोर और डी ऑप्शन है सुरकोटदा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल से है तो निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए है धनुर्वेद, बी है शस्त्र शास्त्र और ऑप्शन सी है आयुर्वेद और डी है योगवेद। तो इनमें बताना है कौन सा उपवेद नहीं है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योगवेद, यह उपवेद नहीं है, बाकी सभी धनुर्वेद भी है शस्त्र शास्त्र भी और आयुर्वेद भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी है का गोबर, ऑप्शन सी है गाय का घी और डी है तुलसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो पंचगव्य में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है, ये ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है ए है रामायण, बी है महाभारत और सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्वेद। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है उपनिषद, बी संहिता और सी ब्राह्मण और डी आरण्यक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते थे, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है?
ऑप्शन ए है सामवेद, बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्वेद और डी यजुर्वेद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन बी इज राइट। इस ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 1028 और इसमें 10 मंडल समाहित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए है लक्ष्मण, बी है भरत और सी है मेघनाद और डी है सुग्रीव। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भरत, मांडवी भरत की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 16 दिन, बी 18 दिन और सी 20 दिन और डी 24 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18 दिन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन ए है बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी और डी ऋषि पत्तन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था और ऑप्शन सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है बुद्ध, सी है ज्ञान और डी है बोधि। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा बी बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, बी है महाबोधि मंदिर समूह, सी है कुतुब मीनार और डी है लाल किला परिसर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी महाबोधि मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए है बोधगया, बी है कुशीनगर, सी है राजगृह और डी है वैशाली। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुशीनगर। गौतम बुद्ध को का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी है कुशीनगर, सी ऑप्शन है बदायूं और डी है चित्रकूट। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी कुशीनगर। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताना है सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बी है भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था और ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत हुआ था और ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी सारनाथ और सी है अयोध्या और डी है वाराणसी। इसके पहले का क्वेश्चन भी वही था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने डट डट में धम्मचक्र पवन सूत्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी है लुम्बिनी और सी है बोधगया और डी है सारनाथ। तो राइट आंसर बताना है कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ।
अगला देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ऑप्शन ए है अभिधम्म पिटक, सुत पिटक, सी है उपशाखा पिटक और डी है विनय पिटक। तो राइट आंसर बताना है कौन सा अभिधम्म पिटक, सॉरी कौन सा पिटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपशाखा पिटक नहीं है, जो त्रिपिटक में नहीं आता है। अभिधम्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक ये त्रिपिटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए है एक जैन भिक्षु, ऑप्शन बी है एक बौद्ध दार्शनिक और सी है एक यूनानी शासक और ऑप्शन डी है एक वैदिक ऋषि। तो राइट आंसर बताना कि नागार्जुन कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी है वाराणसी, सी है आगरा और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो राइट आंसर बताना है कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म से पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन ए है महावीर, बी है ऋषभ और सी है पारसनाथ और डी है पद्मनाभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी ऋषभ। अगला देखते हैं, जैन धर्म में तीन रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण कमार कहा जाता है, वे क्या हैं? ऑप्शन ए है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ऑप्शन सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण और ऑप्शन डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, बी है दूसरों की सेवा करना, ऑप्शन सी है दूसरों को शिक्षा देना और डी है दूसरों का अनुसरण करना। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल से है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है पाली और सी है संस्कृत और डी है हिंदी। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है चतुर्थ, सी है दसवें और डी है तेरहवें। तो राइट आंसर इसका बताना है कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तेरहवें शिलालेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है पाटलिपुत्र और सी है उज्जैन और डी है तोसली। तो राइट आंसर इसका बताना है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोसली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्यधीन नहीं था? तो ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है गुर्जर, सी है कर्नाटक और डी है कामरूप। तो राइट आंसर बताना है अशोक के साम्राज्यधीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कामरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है सहबाजगढ़ी, सी है धौली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए है 11वां, बी है 12वां और सी है 13वां और डी है 14वां। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 13वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए है स्तंभ, बी है स्तूप, सी है चैत और डी है बारादरी। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। तो ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है संभल और डी है सारनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? ये यूपी त्रिपलसी मंडी परिषद परीक्षा 2018 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर काल का पहला प्रश्न है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए तिब्बत, बी ईरान, सी मध्य एशिया और डी चीनी तुर्किस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ऑप्शन ए है पराशर, बी है सुश्रुत और सी है चरक और डी है धन्वंतरी। तो राइट आंसर बताना है कनिष्क के प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी चरक। अगला देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। स्टेटमेंट दिया हुआ है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भाग भद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए है कांडुवंश, बी है दास राजवंश, सी है चोल राजवंश और डी है शुंग राजवंश। तो राइट आंसर बताना है। तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी, तो यही पता होगा तो आप लोग लगा देंगे ऑप्शन डी इज राइट, शुंग राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक और सी है पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का पहला क्वेश्चन है, खगोलविद ब्राह्मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा खगोलविद ब्राह्मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, बी है बिंबिसार, सी है बिंदुसार और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कालिदास और डी है रायदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? तो ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है विष्णुगुप्त, सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और डी है थानेश्वर। तो राइट आंसर इसका बताना है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो ऑप्शन ए है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। ऑप्शन बी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यह प्रश्न यूपी त्रिपलसी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की थर्ड पाली में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए है तमिल साहित्य, बी है वैदिक साहित्य, और सी है उर्दू साहित्य, और ऑप्शन डी है संस्कृत साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है श्रीकालहस्ती, बी है तिरुपति, सी है हम्पी, और डी है भद्राचलम। तो राइट आंसर बताना क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, बी है राजराज प्रथम, सी है आधिराज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन ए है बेला वेलान गवाई, सालाभोग, पल्ली छांदम, और डी है ब्रह्म देह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्ली छांदम। आज का यह लास्ट प्रश्न था, और कल मिलेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।